चलो टीम में लेके इसको किडनी निकालेंगे इसकी। करो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप करता हूं सब बढ़िया होगे। तो आज भाई मैं जिम सुबह सुबह आ गया था, मैं वीडियो ना बनाई। तो देखो भाई अभी अभी मेरे पास क्या कमाल की गाड़ी आई है भाई, ये बताऊँ अमीर लोगों के आई, हमारे जैसों के लेनी है। देखो स्कोडा के ऑक्टाविया कती नई पन्नी पैक है, ये जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है वो वाली है। इसकी साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है, स्कोडा की बैजिंग है और यहाँ पे भी फिंगरप्रिंट वाला है। शायद टॉप वेरिएंट है ना, स्लाविया है भैया, तो स्लाविया है। हाँ चलो अंदर चलते हैं। हेलो चार कॉलेंट की ना भाई, हम अंदर आ गए हैं भाई। बड़ी स्मूथ चल रही है, तो डीजल में पेट्रोल में कोई ना। आज आज हमारे साथ है कुश नागपाल, ये भाई दिल्ली थंडर 19 प्लेयर है ना भाई, क्रिकेट खेल रहा है यार, क्रिकेट का नाम याद आते हैं ना, सिर में दर्द हो जा रहे तो भाई के फादर पापा ने गिफ्ट करी है बर्थडे पे या कैसे, ऐसे ही ऐसे ही क्या करें भाई सही है भाई, बढ़िया है, उस पैसे का फायदा कि जो यूज ना हो अपने पे भाई। वरना हम बैठे थे ना, उस तो बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत ज्यादा मतलब वो है यार, ऊपर की गाड़ी है, बहुत ऊपर है उससे तो यार। कितने की पड़ी है हमने ऑन रोड? 17-25 सही है भाई, सारी चीज मिल जाए, बढ़िया सा मतलब इंटीरियर है, क्लासी सा इंटीरियर है यार। इसकी आग लगाने मैंने उतार दियो पहले भाई, वरना तो काफी बढ़िया ना, इसकी सनरूफ है और भाई सही में BMW टाइप लुक आ रही है इसकी। बाय कुश जी, फिर मिलेंगे आपसे। तो भाई गाड़ी बड़ी कमाल है, कमाल है। और अब हम आ गए उससे कमाल जिसका आप सभी को वेट था, स्कॉर्पियो एन मारुति वालों, फिर था स्कॉर्पियो एन मारुति की है ना भाई, कभी सेम चलो सस्ती स्कॉर्पियो, सस्ती स्कॉर्पियो पर उस तब तो बढ़िया भाई, भाई उस तो अच्छी है, उस तो ज्यादा एवरेज देवे या और पर क्या एवरेज देवे या भाग क्या। सो भाई अब हम इसमें आ चुके हैं वेगनार में, अरे बंद हो जा, दुन 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 दुन। और दोस्तों साथियों, आज हम दिखाएंगे एक और बेहतरीन कार, आज पूरा दिन कार हाहाकार। कमेंट में बताओ कौन सी दिखा सकते हैं, नई दिखाऊंगे शोरूम में, कितनी नई सूर्य देव तक आ चुके हैं। और फिर कमेंट में न्यू बिजली थी और देख के ना हमने वाली लेनी चाहिए या नहीं, अब मैं घूमता ही रहूंगा। कोटा स्लाविया बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन मेरे को अभी सेडान की तरफ नहीं जाना, अगर मैं सेडान की तरफ जाता तो दो ही गाड़ियों में फाइट होती है, वरना की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता भाई, मैं जाता वर्टस जीटी या फिर कोटा स्लाविया चली जाएगी भाई। क्या क्या की इसके आसपास की है, कोई दिक्कत ना, पैसे की तो कोई दिक्कत ही ना है। ओह माय गॉड बड़े आदमी, हां कोई दिक्कत नहीं ना, कितने ही बड़े ना, पर हां इतनी दिक्कत ना दिखे, 2-3 लाख रुपए के ऊपर में गाड़ी छोड़ू है कोई सी भी। अब आज जाऊंगे हम दो जगह, एक जगह जाऊंगा पहले, तो फिर वहां अगर मेरी पहले में ही बात बन गई तो पहले में ही दूसरे का टंटा ना पाड़ू भाई, क्योंकि तो भाई कल के कही थी। अच्छा मैं सारे शोरूम में जाऊंगा यार, यार बात भूल गया, अब की बार सही में चूज ही करूंगा यार, क्योंकि यार बाद में फिर पता क्या हुआ है, मैं उन दो गाड़ियों में यार कंफ्यूज हूँ, लेनी उन दो यार मतलब एक है हाँ। पर कंफ्यूज हूँ कि लुक कौन से की, शाम ही तो बढ़िया लग गई, बाकी तो सब कुछ एक है, उसमें सब कुछ एक है, आप समझ जाओगे। ब्रांड भी बता दे, ब्रांड है भाई एक है इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने वाला, और एक है सबसे ज्यादा ट्रस्टेड, दो ही ब्रांड है इंडिया में, वो
उन दोनों में जाऊंगा। उन दोनों के पास एक गाड़ी होती है, आप सबको पता है आज के टाइम पे, मतलब बढ़िया गाड़ी भी उनके पास, तो उन्हीं पे जा सकूं मैं। 5 सीटर है वो। बाकी जिन जिन को पता चल गया वो कमेंट करके बताओ जल्दी से मेरे को। और आप अपने घर जाके ना ना ऐसा कुछ कमी तो भाई इस गाड़ी में कुछ ना है भाई, बड़ी मतलब सीएनजी में पता ना चल रहा इसमें। तू भी सीएनजी ले लेना। मैंने सीएनजी में यार मेरी वो ना ना ट्रैक रेस गाड़ी ऐसी लाऊंगा जिसकी ट्रैक रेस हो जाए। देख वह स्कॉर्पियो पे अच्छी खासी टक्कर दे दिया है, क्योंकि भाई 1500 सीसी में है और स्कॉर्पियो 2200 सीसी में है, अच्छी खासी बहुत बाद 120 के बाद आके। मैं तो कह रहा स्कॉर्पियो ने सफारी देख मारेगी, दूसरे की बात नहीं करता, मारी। चलो ठीक है दोस्त, मेरे हाथ में दर्द हो गया ऐसे पकड़े पकड़े। अयो और भाई चीते और बहुत बढ़िया रे, मजा आ गया। अरे चालू है क्या? ओ माय गॉड, देख चाचा की जहाज भी अच्छी लग रही है पल में। वैसे अच्छी तो है ही भाई, गाड़ी बहुत प्यारी है। आई लाइक दिस कार बट I want something big. मारुति पे जाने की सोच रहा हूँ इस बार भाई, कम खर्चे की गाड़ी है ना। ना यार लुक प्यारी लगी है, झूठ मत बोल रहा है भाई मन लगी है जेन्युइन। पर उन दो गाड़िया में फिलहाल तो मेरा 90% है मारुति, क्यों मारुति मैंने आगे तो देख ली आगे पीछे, मतलब शामी टोयोटा में जो वो वेरियंट है मैंने देखा ना है। इस बार टोयोटा ने मारुति कर अलग अलग लुक दी है इस मारी, थोड़ा वो पापा तो भी मना कर रहे हैं, अग भाई रहने दो मैं कर दूँ आज, पर वी वॉन्ट समथिंग चेंज। और जो भी पीवर लाऊंगे वो वन इन ओनली इन इंडिया बनाऊंगे, इस बात की पहले ही कह रहा हूँ। जो होने वाला बहुत बड़ा होने वाला है, सो स्टे ट्यून विद द व्लॉग्स, बाय बाय। कितनी यार इस गाड़ी की बात है दूसरी है, पर बस बहुत दिन हो गए, बाय बाय कर देनी स्टार्ट आज काल में जितनी जल्दी हो सके। कुछ ना भरोसा भाई, अभी टाइम भी लगेगा। ये इसमें गया था मैं मारुति वालों की स्कॉर्पियो है, कौन सा? अरे तू यो ले लेना, यो वाला ना पागल ना, तो यो ठीक है वो एक नहीं आई तो है ना सारे कंट्रोल कर लिए, वो वाला चलना। कौन से वाला? आज की टू वाला, रात में दारू पी के पैर है तो दारू पीता ना पैर है। अगर मैं दिन में पी लूं कोई पैर लूं मैंने पी लूंगा आ गया शेराव क्या ओ भाई नहीं तो बोल रहा था मैंने। देखो सब कपड़े फाड़ दिए, यो फाड़ दिया, कर दिया इसका विनाश। ये देखो पाए काट बगाए, कूड़ा भी निकाल लिया गंदे आदमी ने। ओ कटिया हप रास लग रही भाई इसमें बहुत ज्यादा, बाल्टी में मुंह मार ले बड़ा बेकार है, तो बेकार है बहुत है। तो कोई वो नहीं है, मतलब कैमरा चालू होया नहीं और तना भाई साहब पोज दे देनी, ये पोज क्यों करो जाते हो फोन काट दे, गोली थोड़ी है मैं तो मार दूं तेरा बताऊं या पार ना बताए ना बुड़का बनने मेरा गया भाई। देखो रुद्राक्ष मैं ना वे आ गए बीच, ठीक है फल ये है फूल आ रहे हैं, ये फूल है रुद्राक्ष में
ये वाले फल हैं और ये बड़े हो रखे हैं। इस पे भी आने पर आए ना, इस पर 2 साल तक है, इस पे भी आओगे पर आम ते को नहीं। इस पे भाई माली आवा क्या कहता है भैया, इस साल आएंगे आम पर आ सकना है। क्यों रूस गया भाई, क्या बात होगी? ओए क्यों यार, क्यों मुंह बना लिया? मैंने के 2 थप्पड़ मार दिए भाई। रोज गए थे रोटी को आते पानी गिर थोड़ा सा भाई। मैं भी ना मारुति में जाने की सोच रहा था अभी तो मैं घर पर हूँ, फिर मैंने फ़ोन कराया वहाँ पे तो भी अभी मैंने कॉल बैक करेंगे उनके पास गाड़ी अवेलेबल है या ना, अगर अवेलेबल होगी तो ही जाऊँगे ना तो फिर क्यों टाइम ख़राब करेंगे। और टोयोटा में भाई हम जाऊँगे गुड़गांव, वहाँ पे अपने मेरे भाई है खुद के, वही उन पर जाकर ले जाऊँगा। तो टोयोटा आज नहीं जा रहे, कल जाऊँगा भाई। अभी टाइम हो रहा है 5:15 शाम के, मैं सुबह तक मतलब मैं 12 बजे के आसपास रेडी हो गया था, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ उन बंदा का। नेक्स्ट टाइम मैं फ़ोन करा था कि भाई कोई अपडेट दे, उन्होंने कोई अपडेट ना दी अभी तक। तो कल मैं कि एक भाई और है उनका बात करके फिर जाऊँगा, आज का तो नहीं। मैं जाने वाला था 4 बजे जिम में, मेरे एकदम था पापा का फोन, वो पापा बोले नहीं तेरे को अभी नहीं जाना, मेरे को तेरे से कुछ काम है फिर जाइए तू। तो अभी वो काम कर गया और फिर मैं जिम की तरफ जा रहा हूँ। और मैं अभी थोड़ा आलसी हूँ यार, मैंने बता तो रखी है, थोड़ा सा मतलब वो हुआ और मैं सो गया और मैं उठा 4 बजे। मैं मुश्किल से 5-7 मिनट पहले उठा करूँ जिम जाने पर। देखो क्या लिखा था, मीठू और पापा जी। बाय मीठू, हाँ यार देखा, बाय बाय काट गया तो बाय मीठू, चलो बाय बाय पापा, बाय कर, बाय बाय कर, चलो बाय पापा। जिम पहुंच गया भाई, सफारी इसके है ना, ग्लास तब नहीं रख नहीं रहोगे जब तक ये ना पापा की तरफ हार ना लेके जाओ, ना तो फिर चेंज करवा देगा पापा उतार दे। ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रही नो अमीश, रिपोर्ट अभी आने वाली है जी। हाय ठीक है, मेरे पास व्हाट्सएप पे आएगा। हाउ आर यू, कैसे हैं नंदन? पार्टी तो ना जी। अरे हेमचंद क्या हाल है मेरे भाई, ऊपर तो देख ले भाई। मैं भी आ गया ना राजन के पास, मेरी तबियत है ना बहुत ज्यादा खराब हो रखी, वायरल हो रखा भाई, आज इसकी किडनी निकाल दूंगा इंजेक्शन मेरे लगा दिया राजन ने, इसका लगा दिया। सुबह पता है क्या हुआ प्रदीप भाई, मैं पारस हॉस्पिटल में गया ठीक है, वहाँ भाई इन्वेस्टिगेशन के सारे वो कह रहा मैं वहाँ पे पेशेंट देख रहा था, तो हुआ क्या यहाँ बैठा मैं प्रदीप आया, मैं कह रहा डॉक्टर साहब मेरे को देखो, मैंने कहा भाई इसकी किडनी में दिक्कत हो रही, चलो ओटी में लेके इसको किडनी निकालेंगे इसकी। कह रहा भाई ओ मेरे भाई छोड़ दे मेरे को, मैंने 3-4 बंदों से बोल के पकड़वाया था। हेमचंद तेरे आगे की बात है, कौन पकड़वाया था? भागने में चल गया था मैं, भाग पारस नर्सिंग होम भाई। तो देख लो भाई साहब कुछ ऐसे हो रहा है दिन दहाड़े, कुछ ऐसे हो रहा है दिन दहाड़े ऑर्गन्स का व्यापार। ये भयानक आदमी
पारस हॉस्पिटल में पकड़ा गया, किडनी निकालते हुए पकड़ा गया राजन, पकड़ा गया किडनी निकालते हुए। ओ ये तो टाइटल बन गया राजन को होगी सजा, वो भी काले पानी की। ना राजन पकड़ा ना यार, राजन पकड़ा जाओगा पर बहुत जल्दी, क्योंकि राजन के धंधे गंदे हैं। इस धंधे गंदो, इस गंदे धंधों में दोनों शामिल है भाई। पहले नाम मैं शामिल हूँ भाई, पहली किडनी मैंने बिचवाई थी यार। आधा मैं जिम में चला गया, फिर थोड़ा बिजी हो गया था। चुप हो जाओगे थोड़ा बिजी हो गया था यार, तो वीडियो बना ना पाया। और इव टाइम हो गया, 10 बजने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और घर पे बता देना छेनू आया था।